हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अनुनाद के अनुप्रयोग। आइए सबसे पहले अनुनाद की शर्त जानते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो अनुनाद की शर्त होती है संयुग्मन का होना। संयुग्मन कब होगा? तो संयुग्मन के लिए सूत्र दिया गया था आपको, ए द्विबंध बी एकल बंध सी। सी के साथ में या तो यहाँ पर द्विबंध हो, या सी के ऊपर यहाँ पर मुक्त मूलक हो, या यहाँ पर सी के ऊपर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इसके ऊपर धनावेश हो। तो ये जो है संयुग्मन का सूत्र होता है, ये आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। ये तीनों परमाणु ए बी सी यहाँ पर जो दिए हैं सूत्र के अंदर, ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अर्थात कार्बन 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 नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपको जो यहाँ पे सूत्र दिया है, साधारण सूत्र, ये जनरल सूत्र, ये सब में आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। फिलहाल अनुनाद के अनुप्रयोग शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे। सवाल यह है कि मिथेनॉल व फिनॉल में कौन अम्लीय होता है और क्यों? सवाल जरूरी है। आइए, तो यहाँ पर ये मिथेनॉल का सूत्र बनाया गया है, यहाँ पर ये फिनॉल का सूत्र बनाया गया, आप देख सकते हैं। आरणीय सिद्धांत ने यह बताया था कि कोई भी पदार्थ या यौगिक जो एच आयन देता है वह कहलाता है अम्ल। तो अगर मैं बात करता हूँ मिथेनॉल और फिनोल अम्लीय होगा तो ये एच आयन देगा, एच धनायन देगा। तो आओ देखते हैं, पहले हमने यहाँ पर लिखा ये मिथेनॉल का सूत्र, यहाँ पर लिखा फिनोल का सूत्र। तो पहले हम लोग बात करते हैं मिथेनॉल में, तो आप देख सकते हैं मिथेनॉल में यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अधिक ऋण विद्युति होता है ऑक्सीजन। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये अधिक प्रबल ऋण विद्युति है, जिस कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, बंध ये टूट जाएगा और यहाँ से ये एच मुक्त होगा एच धनायन के रूप में। उसके बाद जो यहाँ पर ये आपको मध्यवर्ती अभिक्रिया के मध्य में बंध टूटने से जो भी वहां पर मूलक बनता है, जो भी वहां पे पदार्थ बनता है, वह कहलाता है अभिक्रिया मध्यवर्ती, बंध टूटने के बाद। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया मध्यवर्ती बना है, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड ऋणायन। अगर बात करें तो एक कार्बन लगा है तो मिथोक्साइड आयन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं फिनोल में। तो फिनोल में यहाँ पर आपको पता है कि बंध का टूटने का प्रकार क्या होगा, अधिक ऋण विद्युति है ऑक्सीजन, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बंध टूटा और यहाँ से एच धनायन मुक्त हुआ और ऑक्सीजन पे आवेश आ गया है माइनस। तो इस बार जो ये ऑक्साइड यहाँ पर जो बन रहा है, ये इसका नाम होगा मध्यवर्ती का फिनोक्साइड ऋणायन। मध्यवर्ती पहले बताया, अभिक्रिया में बंध के टूटने से जो भी वहां पर आपको मूलक मिल रहा है, जो वहां पे पदार्थ मिल रहा है, वो कहलाता है अभिक्रिया मध्यवर्ती। ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, इनपे आवेश होता है और ये बहुत जल्दी पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए भाई, यहाँ पर एल्कोक्साइड ऋणायन में क्या आप अनुनाद होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमने अनुनाद की शर्त यहाँ पे लिखा है ए द्विबंध बी एकल बंध सी। तो यहाँ पर ये शर्त पूरी नहीं होती है, अर्थात यहाँ पे अनुनाद नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा, स्पष्ट है, ये लीजिए। चलिए अब बात करते हैं फिनोक्साइड ऋणायन की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन के अंदर जो द्विबंध है, ये एकांतरित है, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध, तो पूरा बेंजीन वलय यहां से लेके यहां तक ये एकांतरित है और ये अनुनाद की शर्त को पूरा कर रहा है, संयुग्मन है। यह हम लोग पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर जो आप देख रहे हैं ऋणावेश, क्या ये संयुग्मन का भाग है? तो आप देख सकते हैं कि ए द्विबंध बी एकल बंध सी, ये देखिए सी सी को यहाँ पे हमने ओ दिखाया हुआ है, तो ओ सी को जो है यहाँ पर ओ है सी की जगह, और इसके पास क्या है देख सकते हैं आप, माइनस ऋणावेश है। तो ये देखिए ऋणावेश ये रहा और साथ में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। तो संयुग्मन होने के कारण ये जो आप यहाँ पे आवेश देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देख रहे हैं, ये बेंजीन वलय के अंदर उतर जाएगा, बेंजीन वलय के अंदर प्रवेश पाएगा। अब देखिए कैसे होगा, अब अगर आप देखना चाहें तो उसको ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ पर गति करेगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ से तुरंत ये अंदर की ओर उतरेगा। जब ये अंदर की उतरेगा, देखिए यहाँ पर ये द्विबंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आवेश कौन सा आ गया, ऋण आवेश, और यहाँ पर ये बंध जो है द्विबंध हो गया है, और यहाँ पर देखिए ये आपका धनावेश आ गया है। अब देखिए अगली जो यहाँ पर ये जो आप देखते हैं, पिछली क्लास में आपको बताया था कि वो
लुईस संरचना जो दो तीर वाले निशान से आपको दिखाई जाती है वो कहलाती है अनुनादी संरचना। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि एक दो तीन, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पर एकांतरण बन रहा है, संयुग्मन बन रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करेगा, धक्का मारेगा उसको, इसकी वजह से आगे की ओर गति करेगा क्योंकि ये संयुग्मन का एक भाग है। देखिए ये यहाँ से यहाँ पर गया, उसी समय यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ विस्थापित होगा, ये यहाँ पर विस्थापित होगा। तो अगली संरचना जो आपको दिखाई देगी, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे आ गया है ऋणावेश और यहां पर बन गया एक नया बन जिसका ये देख सकते हैं आप डी बन बन चुका है। अब क्या होगा, अब देखिए फिर से यहां पर ये देखिए ये भी संयुग्मन का एक भाग है तो ये यहां पर गति करेगा तो ये यहां पर चला जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, तीसरी संरचना देखिए, तीसरी संरचना में क्या होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, ये देखिए डी बन बना और ये यहाँ पर गया तो ऋणावेश आ गया। तो ये एक तीन दो एक, ये है आपकी अनुनादी संरचनाएं क्योंकि ये संयुग्मन की शर्त को पूरा कर रही हैं। उसके बाद आप देखिए कि एक दो तीन, इन तीनों का अगर हम लोग औसत यहाँ पर अनुनादी संरचना बनाते हैं तो वो कहलाता है अनुनाद संकर। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर इन चारों में अनुनाद संकर कौन होगा, तो ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन, तीनों संरचनाओं की, तीनों अनुनादी संरचनाओं के गुणधर्म जो है वो चौथी संरचना के अंदर है तीनों के। तो तीनों का औसत जो संरचना है वो कहलाएगी अनुनाद संकर। और इसको हम लोग दिखाते हैं, ये जो आपके सामने दिखाया हुआ है इस निशान से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं कि द्विबंध भी घूम रहा है और द्विबंध के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे ऑक्सीजन से ये भी लगातार घूम रहे हैं। तो हम लोग जो अनुनाद संकर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चले 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 बेंजीन वलय के अंदर आए आए और ये देखिए पूरे वलय के अंदर और ऑक्सीजन लगातार। अच्छा बात बताइए तीसरी को, देखिए यहाँ पर जब ये यहाँ पर जाएगा तो वापस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी तीसरी संरचना वापस पहुंच जाएगी इस वाली संरचना में, स्पष्ट है आपको? तो ये लगातार आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो इसलिए कहलाते हैं अनुनादी संरचना। और ये आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ये अस्थाई होते हैं, ये स्थाई नहीं होते, केवल अनुनाद संकर ही होता है जो आपको स्थाई संरचना आप जिसको कह सकते हैं और यही आपको वहां पर अभिक्रिया के अंदर मिलता है। तो देखिए अनुनाद होने के कारण फिनोक्साइड यानी फिनोल के अंदर अनुनाद है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया, लेकिन एल्कोहल के अंदर मिथिनोल के अंदर अनुनाद नहीं है। अनुनाद नहीं है तो इस कारण इसके एच आयन मुक्त होने के बाद जो बनेगा एल्कोक्साइड आयन वो कैसा होगा सर? ये होगा अस्थाई, अस्थाई ये नहीं बनेगा। अच्छा बात बताइए, कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो उसमें फायदा ढूंढते हैं, इसी प्रकार अभिक्रियाओं की जो यहाँ पर प्रकृति होती है वो भी यही होती है कि जब उस अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती अगर स्थायी होगा तो वो अभिक्रिया जाएगी, अन्यथा वो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है। अर्थात मैं बोलता हूँ कि एल्कोक्साइड ऋणायन कैसा है? अस्थायी, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है और मिथाइल की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक प्रेरणात्मक होती है, धनात्मक प्रेरण ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है। अब देखिए एक आदमी ठंड से मर रहा है, उसको अगर आप कोल्ड ड्रिंक देंगे तो क्या होगा? ठंड से मर जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसका ऋणावेश और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये और ज्यादा अस्थायी होगा, अर्थात ये संभव नहीं है। स्थायित्व प्राप्ति अभिक्रिया की पूर्णता। यहाँ पर देखते हैं फिनोल में, आपने देखा फिनोल में अनुनाद है, ये सब स्पष्ट कर रहा है अनुनाद है, और अनुनाद है इसलिए यहाँ पर एच आयन विमुक्त होने के बाद, मुक्त होने के बाद देखिए एच प्लस बाहर निकाल दिया है, जा भाई जा, और अगर ये एच प्लस बाहर निकल गया और बनने के बाद फिनोक्साइड ऋणायन, आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? अनुनाद स्थायित्व है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो बना है ये स्थायी है, कारण क्या है? अनुनाद स्थायी है, ये अनुनाद ने इसको स्थायी बनाया है। तो आप भी आपसे यहाँ पर बताया थे कि अनुनाद अगर किसी संरचना को, किसी यौगिक को स्थायी बना रहा है तो वो अभिक्रिया पूर्ण होगी, अर्थात यहाँ पे एच आयन देने के बाद भी ये जो आप आवेश देख रहे हैं ये आवेश इसको अस्थायी नहीं बना पाएगा, अनुनाद के कारण ये स्थायी होगा और फिनोल सरलता से एच आयन मुक्त कर देगा, एच आयन मुक्त कर देगा, अर्थात फिनोल अम्लीय है लेकिन मिथेनॉल अम्लीय नहीं है, कारण अनुनाद। एक चीज और,
अगर हम लोग देखें तो कार्बनिक रसायन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर ऋणावेश धनावेश या मुक्त मूलक आ जाता है तो वह अस्थायी होता है। अस्थायी अर्थात अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी, स्थायी अर्थात अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त होगी। ये तो आपको स्पष्ट हो चुका है। फिर से आगे आते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी माइनस वन है, यहाँ पर भी माइनस वन दिखाई दे रहा है। तो आप पूछ सकते हैं सर ये कैसी बात है, आवेश तो यहाँ पर भी है। हाँ, लेकिन मैंने कहा अनुनाद इसके कारण ये स्थायित्व को प्राप्त हो गया है। इसको देखें अनुनाद संकर में आपको मालूम पड़ता है कि ऋणावेश जो है यहाँ पर, ये ऋणावेश जो है ये पूरे बेंजीन वलय में फैला हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि आवेश की मात्रा है माइनस वन, आवेश की मात्रा है माइनस वन यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए अनुनाद संकर को तो मालूम पड़ता है कि आवेश माइनस वन नहीं है, बल्कि ये एक ऑक्सीजन और छह कार्बन पे बराबर बटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं माइनस वन बाय सेवन को भाग कर लीजिए तो ये आएगा माइनस का 0.1 और ये बचेगा 2। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अनुनाद के कारण क्या हुआ है, आपका ऋणावेश का वितरण हो गया है। तो आज एक नई परिभाषा आपको सिखाते हैं कि अनुनाद होता क्या है। अनुनाद का अगर कार्बनिक यौगिकों में बात करें, अभिक्रिया मध्यवर्ती के संदर्भ में बात करें, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अनुनाद जो होता है, अनुनाद जब आएगा तो वह आवेश का वितरण कर देगा। आवेश वितरण से अगर आवेश की मात्रा कम हो जाएगी तो वो स्थायी होगा, अभिक्रिया होगी। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि फिनोल अम्लीय क्यों है, कि फिनोल में H+ देने के बाद बनने वाला ऋणायन जो है वो स्थायी है अनुनाद के कारण। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेश की मात्रा माइनस वन नहीं है, माइनस 0.12 हो चुकी है, क्योंकि ये ऋणावेश जो है ये बेंजीन वलय पे भी यहाँ पे वितरित हो रहा है आवेश। तो इस कारण आवेश की मात्रा कम हुई अर्थात स्थायित्व हुआ, अर्थात फिनोल सरलता से H+ देगा और अम्लीय कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है मिथेनॉल में, किसी भी अल्कोहल में संभव नहीं होता है कि वहां पर आवेश की मात्रा कम हो। यहां पे आवेश माइनस वन ही रहेगा, ये कम नहीं हो पाएगा, कारण अनुनाद नहीं है। बल्कि एक बात बताएं कि आपको ये माइनस वन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। कारण क्या है कि यहां पे मिथाइल का धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मात्रा थोड़ा सा पहले से बढ़ जाती है, जिस कारण अल्कोहल क्या होते हैं, अम्लीय नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको स्पष्ट होगा। एक उदाहरण और लेते हैं, रुकिएगा जरा।